that it is very difficult that we can go beyond that. और जिस तरीके से मनोज जी ने सिचुएशन के हिसाब से फिल्माया है और जिस तरीके से इसकी कोरियोग्राफी हुई है, कोरियोग्राफी में हमारे लॉलीपॉप सर ने बहुत मेहनत की है और नॉट ओनली लॉलीपॉप सर बट मिताली, शी इज अ इमर्जिंग कोरियोग्राफर एंड शी हैज गिवन अ वंडरफुल थिंग आवर सॉन्ग्स एंड द सॉन्ग व्हेन यू सी इट इज सच अ मेलोडियस सॉन्ग दैट एवरीबॉडी विल सिंग. मैं जो दिल्ली लास्ट टू वीक्स बैक हमने ट्रेलर लॉन्च किया था, इस बार हमने म्यूजिक लॉन्च किया है. अभी एक महीने में हमारी पिक्चर रिलीज हो जाएगी 15 मार्च को. सो इट्स अ हैप्पी टाइम, इट्स अ बिजी टाइम. थोड़ा सा आज म्यूज़िक आप लोग को पसंद आया ही उम्मीद करती हूँ. और हमारे 4-5 जो गाने हैं हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छे से बनाए हैं. सो वी आर वेरी हैप्पी दैट इट्स लॉन्च नाउ एंड इट्स ऑन द रिलीज. सो जस्ट गो एंड वॉच इट एंड एंजॉय इट. ओके, आल्सो फिल्म की रिलीज डेट भी काफ़ी कम समय अब बचा है, ऑलवेज एन एक्साइटमेंट टू रिलीज अ फिल्म, क्योंकि बहुत मेहनत जाती है हर एक पिक्चर में. इसमें तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत है और मनोज जी ने बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई है. सो आई थिंक वी ऑल आर एक्साइटेड एंड वी हैव लेस टाइम, बट सोशल मीडिया है तो हम जम के प्रमोशन करेंगे. ऑब्वियसली माई सॉन्ग दिल्ली की सरकार, ऑब्वियसली. उसके बाद आई लाइक झुंझुना, आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस ओवरऑल मूवी का जो एक फ्लेवर बताता है, दैट्स झुंझुना. बट आई डेफिनेटली लाइक माई सॉन्ग. या नो, दिस इज जस्ट वन ऑफ द सटायर सॉन्ग. सो जस्ट पीपल हैविंग फन इन द गांव विद जस्ट थिंक या 5 songs, 4 चार गाने हैं एंड बहुत ही उम्दा 4 गाने हैं. सो आई जस्ट एंड अलग अलग तरीके के हैं. सो आई थिंक यू विल एंजॉय ऑल ऑफ देम. थैंक यू. हो गया सबसे पहले जिस तरीके से हमने देखा कि म्यूजिक लॉन्च हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? म्यूजिक लॉन्च एज यू हैव सीन द सॉन्ग्स, 4 ही गाने हैं, बहुत उम्दा और बढ़िया गाने हैं. आई लाइक देम, आई एम श्योर यू लाइक इट. और सिंस टुडे दे विल बी ऑल आउट देयर, तो जाइए देखिए. ओके, गानों के बारे में बताइए, कितने गाने हैं फिल्म में और आपका कौन सा फेवरेट पसंदीदा गाना है? 4 गाने हैं, 4 के फ्लेवर्स अलग अलग हैं. और माई फेवरेट ऑब्वियसली माई सॉन्ग दिल्ली की सरकार. तो या क्या एक नए लुक में, मतलब नए मतलब डिफरेंट लुक में देख रहे हैं हम आपको. इज इट द कैरेक्टर व्हिच यू प्लेइंग? नो नो, आई जस्ट थॉट आई विल वेयर अ साड़ी टुडे. सो दिस डिजाइनर हैज सेंड मी अ ब्यूटीफुल साड़ी कॉल्ड चिका, सो आई वांटेड टू वेयर इट फॉर समथिंग नाइस. सो आई थॉट म्यूजिक लॉन्च विल बी अ गुड थिंग, आप लोग सब लोग आते हैं तो यू नो इट विल बी नाइस टू शोकेस. एंड माय लुक इन द मूवी इज आल्सो अ साड़ी लुक, सो आई थॉट लेट मी स्टिक टू द लुक. या काफ़ी अटेंशन ग्रैबिंग थी आप जब आपने एंटर किया यहाँ. ऑब्वियसली अभी साड़ी पहनी है, इतना लोग बोल रहे हैं मैं खूबसूरत लग रही हूँ, तो व्हाई नॉट. या आपको कैसा लगा जब आप यू सॉ योरसेल्फ इन द मिरर व्हेन यू कम? आई डिडंट सी मायसेल्फ इन द मिरर, आई क्विकली गॉट रेडी एंड आई रैन बिकॉज आई वाज लेट. द कैरेक्टर आपने बोला कैरेक्टर से भी मिलता है, कुछ ब्रीफ करेंगे मैं कैरेक्टर के बारे में? द कैरेक्टर उसका नाम है शोभा और शी इज मैरिड टू अ वेरी मैन हु इज लाइक 25-30 इयर्स एल्डर टू हर. एंड बेसिकली एक इसकी कहानी है, एक गांव की कहानी है जहाँ पे
एक छोटा सा गांव है, वो हस्बैंड को हमेशा लगता रहता है कि मेरी बीवी पे सारे डोरे डाल रहे हैं बिकॉज ही इज़ ऑलवेज इनसिक्योर्ड बिकॉज ऑफ द एज गैप. बट देन इट्स नॉट लाइक दैट, बट हाउ द रोमांस इज डिफरेंट एंड सिंपल एंड देर लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज हैपन देन कृष्णाज कैरेक्टर्स कम इन एंड ही हैज़ अ लव स्टोरी. सो देर इज़ लॉट ऑफ मिक्स एंड मैच एंड कन्फ्यूजन्स हैपनिंग एज अ any hindi masala movie comedy. so that's all is happening here. romantic track with krishna yani matlab kuch extra no so once you see the film you'll understand, otherwise mujhe sari story yahi batani padegi. thoda hint dijiye. what hint? sumit go and watch the film. you're not watching the film. 15th march ek mahina hai na, to nikalna bahut mushkil ho jayega. gaane dekho tab tak. okay. nahi nahi ek cheez aur. The tagline of the film, वो उसका क्या significance है? What is the tagline? शर्मा जी की लगती है. शर्मा जी नहीं, वो तो फिल्म का नाम है. हाँ, देयर इज नो टैगलाइन. हाँ, चुआरे, बिकॉज द खाला जी का जो कैरेक्टर है, ही इज अ राइटर हु राइट्स सेक्स कॉलम्स इन कृष्णाज न्यूज़पेपर. सो सबको वो छुआरे बांटते रहते हैं. नाउ यू विल वॉच द फिल्म देन यू विल नो व्हाई वो छुआरे बांटते हैं. मुझे भी पहली बार ही पता चला छुआरों का ऐसा भी इस्तेमाल होता है. तो सो या एंड द मिल्क आल्सो प्रोबेबली. या छुआरों को मिल्क के साथ पीना होता है एंड व्हाटएवर, आई डोंट नो. ओके, थैंक यू. हाँ आइए. आई नो. हाँ आइए. नहीं नहीं डेफिनेटली आपको लग रहा है कंटेंट अब जो फिल्मों में है वो बदल रहा है? टोटली, सिनेमा हैज़ चेंज टोटली. फिलहाल ऐसी पिक्चरें आ रही है जिसमें यू नो you can do a lot of things which you couldn't do earlier, script wise, storyline wise. It's not supposed to be a girl or a boy and they fall in love. There's lot of things happening, so it's a different time. character important hota. yes, 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 correct. Every character is important and script based different stories, small stories in a nice way presented. आप वेब सीरीज को एक्सप्लोर कर रहे हो? यस, आई हैव बीन डूइंग फ्यू. सो वंस दे रिलीज यू विल नो. मधुर काफ़ी प्रशंसा करते हैं आपकी हमेशा, और अभी एक नई फिल्म में उनकी कह रहे हैं ऐसा शुरुआत करने वाले हैं, आप शामिल होंगी उसमें? आई एम गोइंग टू कॉल हिम राइट अवे आफ्टर दिस बिकॉज मुझे पता था, लेकिन अभी आपसे पता चल रहा है तो मुझे फ़ोन करना पड़ेगा कि सर मुझे भी. वो डेफिनेटली आप बहुत प्रभावशाली अभिनय करेंगी, ये हमारा पूरा सबका. थैंक यू, थैंक यू. और कुछ संवेदनशील संवेदना प्रकट करना चाहूँगी आप हमारे? देखिए, मुझे पता है हमारा देश अभी एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है. आई एम वेरी सैडेंड विद द फैक्ट व्हाट हैज़ हैपेंड. तो मैं अपनी सारी एनर्जी राइट नाउ आई वांट टू गिव डू प्रेयर्स फॉर द मार्टर्स फैमिलीज एंड गिव देम स्ट्रेंथ एंड डू एनी काइंड ऑफ हेल्प विच इज़ इन माई हैंड. आई थिंक अथॉरिटीज़ आर टेकिंग राइट एक्शंस टूवर्ड्स द कल्प्रिट्स एंड they are doing their jobs. I don't want to say anything. Yes, a patriotism doesn't mean always raging, but yes, it means helping and praying and giving strength, and that's all I want to do right now. jo us din mein pata chala hai film industry ki kai sansthaon, so that's everybody's thing. So I want to just I'm doing help in my way and you, so I don't want to comment much on this because right now na bahut sensitive mamla hai. so thank you very much. thank you, thank you. this way that it is very difficult that we can go beyond that. और जिस तरीके से मनोज जी ने सिचुएशन के हिसाब से फिल्माया है और जिस तरीके से इसकी कोरियोग्राफी हुई है, कोरियोग्राफी में हमारे लॉलीपॉप सर ने बहुत मेहनत की है. और नॉट ओनली लॉलीपॉप सर बट मिताली, शी इज़ अ इमर्जिंग कोरियोग्राफर एंड शी हैज़ गिवन अ वंडरफुल थिंग आवर सॉन्ग्स एंड द सॉन्ग व्हेन यू सी इट इज़ सच अ मेलोडियस सॉन्ग दैट एवरीबडी विल सिंग. मैं जो दिल्ली लास्ट टू वीक्स बैक हमने ट्रेलर लॉन्च किया था, इस बार हमने म्यूज़िक लॉन्च किया है. अभी एक महीने में हमारी पिक्चर रिलीज़ हो जाएगी 15 मार्च को. सो इट्स अ हैप्पी टाइम, इट्स अ बिजी टाइम. थोड़ा सा आज
म्यूज़िक आप लोगों को पसंद आया ही उम्मीद करती हूँ. और हमारे चार पांच जो गाने हैं हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छे से बनाए हैं. सो वी आर वेरी हैप्पी दैट इट्स लॉन्च नाउ एंड इट्स ऑन द रिलीज. सो जस्ट गो एंड वॉच इट एंड एन्जॉय इट. इट्स ऑलवेज एन एक्साइटमेंट टू रिलीज़ अ फिल्म, क्योंकि बहुत मेहनत जाती है हर एक पिक्चर में. इसमें तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत है और मनोज जी ने बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई है. सो आई थिंक वी ऑल आर एक्साइटेड एंड वी हैव लेस टाइम, बट सोशल मीडिया है तो हम जम के प्रमोशन करेंगे. Obviously my song, Dilli Ki Sarkar, obviously. उसके बाद I like झुंझुना. I think that's a very nice overall movie का जो एक flavor बताता है, that's झुंझुना. But I definitely like my song, yeah. No, no. This is just one of the satire songs. So just people having fun in the gaon and just thinking. Yeah. Five songs. Four. चार गाने हैं and बहुत ही उम्दा चार गाने हैं. So I just and अलग अलग तरीके के हैं. So I think you will enjoy all of them. Thank you. हो गया? थैंक यू. आपका तो है शायद. हाँ हाँ तो बेटर है. हाय मंजू. ओके मुग्धा, सबसे पहले जिस तरीके से हमने देखा कि म्यूजिक लॉन्च हो चुका है, yes. क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? म्यूजिक लॉन्च एज यू हैव सीन द सॉन्ग्स, चार ही गाने हैं, बहुत उम्दा और बढ़िया गाने हैं. आई लाइक देम, आई एम श्योर यू लाइक इट. और सिंस टुडे दे विल बी ऑल आउट देयर, सो जाइए देखिए. ओके, गानों के बारे में बताइए, कितने गाने हैं फिल्म में और आपका कौन सा फेवरेट पसंदीदा गाना है? चार गाने हैं, चारों के फ्लेवर्स अलग अलग हैं. और माय फेवरेट ऑब्वियसली माय सॉन्ग दिल्ली की सरकार. तो या क्या गुड इवनिंग. एक नए लुक में, मतलब नए मतलब डिफरेंट लुक में देख रहे हैं हम आपको. इज इट द कैरेक्टर व्हिच यू आर प्लेइंग? नो नो, आई जस्ट थॉट आई विल वेयर अ साड़ी टुडे. सो दिस डिजाइनर हैज सेंड मी अ ब्यूटीफुल साड़ी कॉल्ड चिका, सो आई वांटेड टू वेयर इट फॉर समथिंग नाइस. सो आई थॉट म्यूजिक लॉन्च विल बी अ गुड थिंग. आप लोग सब लोग आते हैं तो यू नो इट विल बी नाइस टू शोकेस. एंड माई लुक इन द मूवीज ऑल्सो साड़ी लुक, सो आई थॉट लेट मी स्टिक टू द लुक. या काफ़ी अटेंशन ग्रैबिंग थी आप जब आपने एंटर किया यहाँ. ऑब्वियसली अभी साड़ी पहनी है, इतना लोग बोल रहे हैं मैं खूबसूरत लग रही हूँ, तो व्हाई नॉट. या आपको कैसा लगा जब आप यू सॉ योरसेल्फ इन द मिरर व्हेन यू कम बैक? आई डिडंट सी मायसेल्फ इन द मिरर, आई क्विकली गॉट रेडी एंड आई रैन बिकॉज़ आई वाज लेट. द कैरेक्टर आपने बोला कैरेक्टर से भी मिलता है, कुछ ब्रीफ करेंगे हमें कैरेक्टर के बारे में? सी द कैरेक्टर इज, उसका नाम है शोभा और शी इज मैरिड टू अ वेरी मैन हु इज लाइक 25-30 इयर्स एल्डर टू हर. एंड बेसिकली एक इसकी कहानी है, एक गांव की कहानी है जहाँ पे एक छोटा सा गांव है. वो हस्बैंड को हमेशा लगता रहता है कि मेरी बीवी पे सारे डोरे डाल रहे हैं बिकॉज ही इज ऑलवेज इनसिक्योर्ड बिकॉज ऑफ द एज गैप. बट देन इट्स नॉट लाइक दैट, बट हाउ द रोमांस इज different and simple, and there are a lot of controversies happen. Then Krishna's characters come in and he has a love story, so there is a lot of mix and match and confusions happening as a any Hindi masala movie comedy. So that's all that's happening here. Romantic track with Krishna, yani matlab kuch extra no, so once you see the film you'll understand, otherwise mujhe sari story yahi batani padegi. Thoda hint dijiye. What hint? Sumit. Go and watch the film. You're not watching the film? 15th March, एक महीना है तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा. गाने देखो तब तक. ओके. नहीं नहीं, एक चीज़ और. The tagline of the film, वो उसका क्या significance है? What is the tagline? शर्मा जी की लगती है. शर्मा जी. नहीं नहीं, वो तो फिल्म का नाम है. हाँ, तो there's no tagline. हाँ, चुवारे, because the खाला जी का जो character है, he is a writer who writes sex columns in Krishna's newspaper.
सो सबको वो छुआरे बांटते रहते हैं. नाउ यू विल वॉच द फिल्म एंड यू विल नो व्हाई वो छुआरे बांटते हैं. मुझे भी पहली बार ही पता चला छुआरों का ऐसा भी इस्तेमाल होता है. तो सो या एंड द मिल्क आल्सो प्रोबेबली या छुआरों को मिल्क के साथ पीना होता है एंड व्हाटएवर आई डोंट नो. ओके थैंक यू. हाँ आइए. आई नो. हाँ आइए. डेफिनेटली आपको लग रहा है कंटेंट अब जो फिल्मों में है वो बदल रहा है? टोटली. सिनेमा हैज़ चेंज टोटली. फिलहाल ऐसी पिक्चरें आ रही है जिसमें यू नो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कुडंट डू अर्लियर. स्क्रिप्ट वाइज, स्टोरी लाइन वाइज, इट्स नॉट सपोज टू बी अ गर्ल और अ बॉय एंड दे फॉल इन लव. देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. सो इट्स अ डिफरेंट टाइम. कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है. यस यस करेक्ट. एवरी कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट एंड स्क्रिप्ट बेस्ड डिफरेंट स्टोरीज, स्मॉल स्टोरीज इन अ नाइस वे प्रेजेंटेड. आप वेब सीरीज को एक्सप्लोर कर रहे हो? यस आई हैव. आई बीन डूइंग फ्यू. सो वंस दे रिलीज आई यू विल नो. मधुर काफ़ी प्रशंसा करते हैं आपकी हमेशा और अभी एक नई फिल्म में उनकी कह रहे हैं ऐसा शुरुआत करने वाले हैं. आप शामिल होंगी उसमें? आई एम गोना कॉल हिम राइट अवे आफ्टर दिस बिकॉज मुझे पता था लेकिन अभी आपसे पता चल रहा है तो मुझे फ़ोन करना पड़ेगा कि सर मुझे भी. डेफिनेटली आप बहुत प्रभावशाली अभिनय करेंगी. ये हमारा पूरा सपना. थैंक यू. थैंक यू. और कुछ संवेदना प्रकट करना चाहूँगी आप हमारे? देखिए मुझे पता है हमारा देश अभी एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है. आई एम वेरी सैडेंड विद द फैक्ट व्हाट हैज़ हैपेंड. तो मैं अपनी सारी एनर्जी राइट नाउ आई वांट टू गिव डू प्रेयर्स फॉर द मार्टर्स फैमिलीज एंड गिव देम स्ट्रेंथ एंड डू एनी काइंड ऑफ हेल्प विच इज़ इन माई हैंड. आई थिंक अथॉरिटीज़ आर टेकिंग राइट एक्शंस टूवर्ड्स द कल्प्रिट्स एंड they are doing their jobs. I don't want to say anything. Yes, a patriotism doesn't mean always raging, but yes, it means helping and praying and giving strength, and that's all I want to do right now. So that's everybody's thing. So I want to just I'm doing help in my way and you. So I don't want to comment much on this because right now na bahut sensitive mamla hai. So thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.